नमस्कार, स्पोर्ट्स स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम गुप्ता। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। भारत एकमात्र ऐसी टीम है जो अजय रही अभी तक इस वर्ल्ड कप में, एक भी मैच नहीं हारी। तो अब भारत का मुकाबला है मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ। काफी रोमांचक होने की उम्मीद है इस मैच की, क्योंकि इंग्लैंड अपनी होम कंडीशन में काफी खतरनाक साबित हो सकती है। वहीं भारत की बात करें तो कॉन्फिडेंस काफी हाई है। तो इस मैच पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है राघव। राघव, क्या गट फीलिंग आ रही है इस मैच को लेकर? बहुत ही बड़ा मैच होगा आज का भारत और इंग्लैंड के बीच में, और पिछले दो तीन मैच इंग्लैंड हारी है, उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस काफी लो होगा इस समय। कॉन्फिडेंस लो होगा, तो पिछले इंडिया टीम सारी मैच जीती है, इसके कारण उनका भी काफी कॉन्फिडेंस हाई होगा। बहुत हाई होगा, सारे मैच जीते, एक भी मैच नहीं हारी। सिर्फ भारत ही ऐसी टीम है इस वर्ल्ड कप में जो कोई मैच नहीं हारी। जी, तो मुझे लगता है कि मैच आज बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इंग्लैंड वापसी कर सकती है इस मैच में। बिल्कुल, देखने को मिल सकता है इंटरेस्टिंग मैच होगा, और बहुत अहम भी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि आज का मैच अगर नहीं जीती इंग्लैंड की टीम और पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देती है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। तो बहुत जरूरी आज जीतना इंग्लैंड के लिए। तो बात कर लें की प्लेयर्स की राघव। अब इंग्लैंड के देख लें, बेन स्टोक्स, इयन मॉर्गन कप्तान, बटलर उनके पास, जो रूट, तो कई बड़े प्लेयर हैं जो ऐसे बिग मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। वही जेसन रॉय की भी वापसी की बात हो रही है कि लग रहा है कि वो फिट हैं और वापसी करेंगे, ऐसे खबरों में आ रहा है। उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया है कि ऐसा लग रहा है कि वो वापसी कर सकते हैं इस मैच में, और बहुत बड़े प्लेयर हैं जेसन रॉय, अगर वापसी करते हैं तो बहुत ही खतरनाक होगा टीम इंडिया। शुरुआत में अच्छी धमाकेदार बल्लेबाजी कर सकते हैं, अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं टीम को। बिल्कुल, स्टार्टिंग में जब खेल रहे थे, जब स्टार्टिंग में जॉनी ब्रेस्टो के साथ उन्होंने ओपनिंग की थी, तो इंग्लैंड उस समय सारे मैच जीती थी और काफी अच्छा स्कोर किया था स्टार्टिंग में, उन्होंने काफी अच्छा शुरुआत दिलवाई थी इंग्लैंड को। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर जैसन रॉय वापसी करते हैं तो अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं। कि उनके पास गेंदबाज भी हैं, क्रिस वोक्स हो गए, जोफ्रा आर्चर हो गए, जो कि खतरनाक साबित हो सकते हैं भारत के लिए। हालांकि भारत के पास भी जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है। क्या लगता है अगर भुवनेश्वर कुमार को इस मैच में मिल सकता है, या सेम कॉम्बिनेशन ही रखेंगे, वही दो स्पिनर, दो फास्ट बॉलर और एक ऑलराउंडर आपके पास हैं, हार्दिक पांड्या हैं, फिर विजय शंकर भी गेंदबाजी कर लेते हैं? मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को ही खिलाएंगे इस मैच में भी, बुमराह तो खेलेंगे, बॉलर है वो, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी खेलेंगे, तो क्योंकि उन्होंने दो मैचों में 8 विकेट ली हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी को ही खिलाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी इस समय अच्छा होगा। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी। चलिए दर्शकों से भी पूछ लेता हूँ, आपको क्या लगता है क्या कॉम्बिनेशन होगा? बॉलिंग की बात कर लें भारत की, क्या एक एक्स्ट्रा पेसर खिला सकते हैं भुवनेश्वर कुमार को एक स्पिनर की जगह, या फिर वही कॉम्बिनेशन रखना चाहिए, दो स्पिनर और दो फास्ट बॉलर, फिर आपके पास ऑलराउंडर्स भी हैं, हार्दिक पांड्या हैं, विजय शंकर हैं, केदार जाधव हैं जी। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। शिवम, आपको क्या लगता है कि नंबर 4 पे इस समय इस मैच में किसको खिलाना चाहिए, दिनेश कार्तिक, विजय शंकर या ऋषभ पंत? अब बात कर लें इसकी, तो विजय शंकर को लाया तो क्या था कि पाकिस्तान के खिलाफ भी गेंदबाजी जरूर अच्छी की, लेकिन बल्लेबाजी से पाकिस्तान के खिलाफ भी, उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने कुछ खास नहीं करके दिखाया। इवन कि जब टीम को जरूरत थी जी, तब भी वो कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, प्रेशर में नहीं खेल पाए। तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन में दिनेश कार्तिक, जिन्होंने टाइम एंड अगेन अपने आप को प्रूव किया है एज अ फिनिशर, एक्सपीरियंस उनको इंग्लैंड कंडीशन में भी पहले खेल चुके हैं, बड़े मैचेस का एक्सपीरियंस होना है, तो मुझे लगता है कार्तिक ज्यादा सूटेबल है रादर देन विजय शंकर, जिनको कि पिछले पाकिस्तान के मैच में तो बॉलिंग कराई गई थी, लेकिन उसके बाद उनसे बॉलिंग भी नहीं कुछ कराई गई। तो मुझे लगता है दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी कई उन्होंने ऐसी पारियां खेली जिसमें इमेच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला उन्होंने। मुझे लगता है दिनेश कार्तिक को नंबर 4 पर खिलाना चाहिए, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने हिंट सा दिया था कि अभी विजय शंकर से कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ कह नहीं सकते। दर्शकों से पूछे थे आपको क्या लगता है, विजय शंकर, ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक, कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, मौसम की बात कर लें तो इस वर्ल्ड कप में काफी चर्चा रही है मौसम को लेकर, कई मैच रद्द भी हुए हैं, तो इस मैच को लेकर आप स्टडी कर रहे थे, कैसा रहेगा मौसम दर्शकों को बताइए। मुझे लगता है कि पूरा 50 ओवर का मैच देखने के लिए मिलेगा, मौसम साफ है तो काफी इंटरेस्टिंग मैच, बड़ा मैच भी है, और अगर मौसम साफ है, 50 ओवर का मैच है, तो और भी इंटरेस्टिंग होगा मैच देखने के लिए। बिल्कुल, बारिश बस रुकावट ना डाले तो, मतलब आपने जो स्टडी किया कि साफ ही रहेगा मौसम, मौसम साफ रहेगा। कितना परसेंट चांस है कि बारिश हो सकती है?
10-12% चांस है अगर बारिश होगी, लगता नहीं है कि होगी बारिश। चलिए दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है कि बारिश की होने की आशंका बहुत बहुत कम है, तो पूरी उम्मीद है कि 50 ओवर का मैच होगा, तो हम चाहेंगे कि एक रोमांचक मैच हो लेकिन जीते भारत ही। अच्छा, इस मैच की बात कर लें तो एक नए अंदाज में नजर आएगी टीम इंडिया, ऑरेंज और ब्लू के कॉम्बिनेशन में, तो उस पर जी क्या कहना है? मुझे लगता है कि ऑरेंज और ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये लकी भी रहेगी टीम इंडिया के लिए, तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया आज का मैच भी बिल्कुल, जीतेगी। सोशल मीडिया पर कई प्लेयर्स ने पिक्चर्स डाली हैं, जी, ये यशवेंद्र चहल ने डाली है, ट्वीट पे डाली है उन्होंने, धोनी ने भी, विराट कोहली इंस्टाग्राम ने पे भी, भी। तो ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स ने नई जर्सी में पिक्स डाली हैं। तो जो दर्शक देख रहे हैं, कैसी लगी आपको नई जर्सी, कमेंट सेक्शन में बताइए। शिवम, आपको क्या लगता है कि प्लेइंग 11 क्या हो सकता है भारत के? प्लेइंग 11 की बात करें, जो मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ चेंजेस ही, बस नंबर 4 में चेंज जरूर हो सकता है, वहाँ दिनेश कार्तिक या ऋषभ पंत को रखा जा सके। जी बाकी बॉलिंग की कॉम्बिनेशन की बात करें, मुझे नहीं लगता अभी कुछ ज़्यादा चेंजेस करेंगे, खासकर दो स्पिनर्स रखें, क्योंकि इंग्लैंड की अब पिचेस वैसे नहीं रही जैसे कुछ साल जी पहले होती थी, अब काफ़ी फर्क और स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है जी वहाँ पर। अगर बात कर लें हम हेड टू हेड की वर्ल्ड कप में, तो बराबरी है बराबरी बिल्कुल, चल रही है इस तीन मैच तीन में। मैच ही जी जीते दोनों ने, और एक मैच टाई हुआ था टाई हुआ, भारत टोटल और इंग्लैंड के बीच। लेकिन 7 मैच में उसमें से एक टाई हुआ और 3 मैच भारत जीती है, 3 इंग्लैंड जीती है। भारत के फैंस के लिए खुशखबरी है, 1992 के बाद आज तक कभी भी इंग्लैंड ने भारत को वर्ल्ड कप मैच में नहीं हराया। जी, देख लीजिए बहुत ही इतने साल बड़ी हो गए हैं, खुशखबरी की बात 27 साल हो है। जी गए हैं, वर्ल्ड कप मैच में इंग्लैंड ने भारत को नहीं हराया, जी तो और इस समय मुझे लगता है कि भारत है ये इसको आगे कंटिन्यू करेगी बिल्कुल उम्मीद कि तो है, जी और 27 साल से नहीं आ रहा, और अभी कॉन्फिडेंस में है टीम इंडिया, जी लगातार जीते जा रही है। वहीं इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया से हार कर आई है, तो उनका जी कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होगा, तो एक बात तो है, लेकिन अपने होम कंडीशंस में एडवांटेज रहेगा इंग्लैंड को, तो ऐसे में एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है, कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए ये तो थी डिस्कशन, ऐसे और प्रीव्यूज रिव्यूज अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट। स्पोर्ट्स की सभी अपडेट्स जानने के लिए स्पोर्ट्स स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।